वहीं फरीदाबाद के पूर्व मेयर के बेटे और मौजूदा पार्षद जयवीर खडाना पर एक युवक की हत्या कराने और इलाके में अवैध धंधे चलाने का आरोप लगाया गया है। परिजनों के मुताबिक मृतक सचिन शुरू से ही पार्षद के अवैध धंधों की खिलाफत करता रहता था, जिसके चलते पार्षद ने 3 महीने पहले सचिन पर जानलेवा हमला कराया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। 3 महीने लगातार इलाज के बाद गंभीर चोटों के चलते शाम को उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल इस केस के सिलसिले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घायल युवक की मौत के बाद परिजन सिविल अस्पताल के बाहर ही आरोपी पार्षद की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। तस्वीरों में पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की ये तस्वीरें फरीदाबाद के सिविल अस्पताल की है, जहां 3 महीने पहले हुए हमले में गंभीर युवक ने दम तोड़ दिया है। वहीं मृतक सचिन के परिजनों के लगाए आरोपों के बाद जब हमने आरोपी पार्षद जयवीर खटाना से बात की तो उन्होंने बताया कि ये सब कुछ राजनीतिक साजिश के तहत किया जा रहा है, मामले में उनका कुछ भी लेना देना नहीं है। सर, वो शराब का विरोध करता था जो वार्ड नंबर 3 से पार्षद जयवीर खटाना है, और वो शराब माफिया है, और जो उसके ग्रुप के लड़के थे वो शराब बेचते थे, तो उनसे वो मना करता था कि भाई यहाँ पे शराब मत बेचो। तो उन्होंने 1-2 बार उस पर हमला भी कराया, बच गया, मगर ये तीसरी बार इसने उन्होंने उसको गोली मारी है और चाकू जहर वाले मार के उसको कोमा में पहुँचाया, और वो 3 महीने से ICU में एडमिट था। और हम CP साहब के पास, अमिताभ सिंह ढिल्लू जी थे, उन्होंने हमारी हेल्प करके 5 आरोपी अरेस्ट भी करवाए, और जो अब नए CP साहब आए अमित कुमार जी, हम इनके पास 3 बार पेश हुए और इन्होंने बोला भाई जयवीर खटाना नहीं है इस मामले में। क्यों? वो इसलिए उन्होंने बोला कि उन पे कृष्ण पाल गुर्जर जी का दबाव था। तो सर, हम तो CP साहब से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि सर, जयवीर खटाना जो मरा आज लड़का, उसने खुद अपने मुँह से बताया कि पापा मेरे मेरे जयवीर खटाना भी था वहाँ पे, इस कारपुर से उसने पहले टक्कर मारी है, और ये कह के गया कि भाई इसे आज जान से मार दो, बचना नहीं चाहिए। तो सचिन ने सिर्फ अवैध धंधों का विरोध किया था, वो शराब बेचते थे कॉलोनी में। देखो जी, सचिन नाम का लड़का जो सचिन पंचाल है, उसकी मदर शशि जो है वो राजनीतिक रही है, और पहले वार्ड नंबर 4 से पहले के भी इलेक्शन भी लड़ी है शायद। तो ये राजनीतिक शिकार हो रहा हूँ मैं और मेरा परिवार, क्योंकि वार्ड नंबर 4 से मेरी पत्नी जी इस टाइम पार्षद है, तो ये हमें बदनाम करने की साजिश की जा रही है, जो कि पुलिस ने अपनी इंक्वायरी कर ली। उस दिन मैं पहली बात वहाँ उस जगह स्थल पर मौजूद ही नहीं था। मैं जहाँ मौजूद था, मैं पुलिस को उसकी सारी जानकारी दे चुका हूँ, पुलिस ने मुझे उसमें क्लीन चिट दे दिया। अगर मैं मौजूद होता तो पुलिस 3 महीने तक अब मुझे आराम से बैठने नहीं देती, मुझे अरेस्ट कर लेती। ये पूरा मामला जो है, इसमें जो पार्षद है वार्ड नंबर 3 का, जयवीर खटाना जो पार्षद है, वो सारे के सारे उसके अवैध धंधे हैं, और वो पार्षदी की आड़ में सारे के सारे राजनीतिक शरण लेकर और ये सारे नंबर 2 के धंधे करता है। शराब माफिया है, पूरे गैर कानूनी धंधे हैं, हर घर से, हर दुकान से कंस्ट्रक्शन के नाम पे अवैध वसूली करता है। टोटली काम इसके गलत है। इन्होंने उस लड़के को, एक लड़के ने, जो लड़का मरा है अपना छोटा भाई, उसने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, और आवाज़ उठा जब इन्होंने उठाई, उसकी आवाज़ दबाने के चक्कर में उन्होंने हथौड़ों से और लाठी डंडों से, चाकू से मारा है। तो केवल जो अवैध धंधों की जो आवाज़ उठाने के ऊपर उसको, हाँ जी बिल्कुल, उसको बिल्कुल बहुत बुरी तरह मारा। 2-3 महीने से वो बेचारा हॉस्पिटल में एडमिट है, ICU में रहा, लेकिन कोई इसकी सुनवाई पुलिस नहीं कर रही है। हमारी पुलिस से यही एक डिमांड है कि उसके परिवार को, उनको अरेस्ट किया जाए, वो पूरा का पूरा सारा अवैध धंधे। ऐसे साहब, क्या मामला है कि मर्डर हुआ लड़के का? थाना मुजेसर में करीबन 2-2.5 महीने पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें एक लड़के की कुछ युवकों ने पिटाई की थी, जिस पर अंडर सेक्शन 307 के ये मुकदमा दर्ज किया गया था। उसमें कुछ अरेस्टिंग हो गई है और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। दौरान इलाज उस लड़के की कल मौत हो गई, और उसी के सिलसिले में आज PK हॉस्पिटल में उसकी बॉडी है और उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। तो किस चीज़ को लेकर इनका रंजिश हुआ था, क्या झगड़ा हुआ था, किस बात को लेकर? इनकी आपसी रंजिश थी और उस रंजिश के तहत ही इनका झगड़ा हुआ था, और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। पुलिस ने कितने लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है? अभी 5 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी है। आगे क्या कार्रवाई करें? अभी तो फिलहाल पोस्टमार्टम करा के और आगे की इन्वेस्टिगेशन करिए उनकी।